लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के 10 ऐसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप बीएमएस कर सकते हैं, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया के 10 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर आपका नीट में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं तो आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से कॉलेज आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करने चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 10 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे अगर आपका नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको ज़रूर उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, और इनमें से 10 कॉलेजेस में से ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन कॉलेजेस से आप सीखते हैं, पढ़ के निकलते हैं, बीएमएस करते हैं या पीजी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा और आप एक आयुर्वेदा के फील्ड में आप एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे एक डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो मैं लिस्ट को शुरू करता हूं और मैं 10 ऐसे कॉलेजेस बता रहा हूं, और इसमें से 10 कॉलेजेस में मैं पहले 10वें नंबर का कॉलेज से शुरू कर रहा हूं कि कौन से कॉलेजेस हैं। 10th नंबर पे कॉलेज है राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदा कॉलेज, जो ये पेपरोला में है, हिमाचल प्रदेश। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है अगर आपको एंटी सर्जरीज देखनी है, एंटी रिलेटेड पेशेंट्स देखने हैं या बाकी भी पेशेंट्स हैं। इनकी ओपीडी आईपीडी अच्छी है। जिस एरिया में ये हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, तो इस हॉस्पिटल में पेशेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बीएमएस की 50 सीट्स हैं और इसकी फ़ीस बहुत मिनिमम है, तो आप यहाँ पे इसको एज अ चॉइस रख सकते हैं। उसके बाद आता है 9th नंबर पे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। लखनऊ का कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोलूँ तो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, बट इसके फैकल्टी और वहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पर ईयर फीस 15,000 रुपीज़ है और इसके अंदर 50 सीट्स हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम केरला। यहाँ पे 70 सीट्स, यूजी की 70 सीट्स अवेलेबल है और इसकी फीस भी 10,000 to 15,000 रुपीज़ पर ईयर के बीच में है, और ये अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी एक लोकेशन में है, तो आप इसको एज अ चॉइस रख सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, नीट के एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये कुछ एक लिस्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें से आपको ज़रूर कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि दे आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलेज मदन मोहन मालविया आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये राजस्थान में है। इसमें यूजी की 60 सीट्स अवेलेबल हैं और ये बहुत अच्छा एक कॉलेज है। राजस्थान के एजुकेशन क्वालिटी आयुर्वेदा में बहुत अच्छी है, तो आप इसको एज अ चॉइस रख सकते हैं। इसके बाद आता है आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये मुंबई में है। इस कॉलेज में यूजी की 100 सीट्स अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, एक बहुत अच्छी लोकेशन में है। इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा नाम है, यहाँ पे इंटरनेशनल सेमिनार्स बहुत होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक कॉलेज है, आपको इसको ज़रूर एज अ प्रेफरेंस रखना चाहिए। इसकी ओपीडी बहुत अच्छी है, तो इसको भी आपको एज अ चॉइस रखना चाहिए। इसके बाद आता है जी बी रॉय आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है। इसमें भी यूजी की 60 सीट्स अवेलेबल हैं, तो इसको भी ये बहुत अच्छा एक कॉलेज है। इसके बाद आता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज टीबिया, ये दिल्ली में है। ये बहुत एक रिनाउंड कॉलेज है, बहुत अच्छा एक कॉलेज माना जाता है। इसमें पीजी है, इसमें हाईएस्ट स्टाइपेंड भी हो पीजी में, तो इस कॉलेज में यूजी की 40 सीट्स अवेलेबल हैं, तो इसको आपको एज अ प्रेफरेंस रखना चाहिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मॉडर्न और आयुर्वेद की आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। इसके बाद आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज गुजरात, जो जामनगर में है। ये बहुत रिनाउंड कॉलेज है, अगर आपको सिर्फ आयुर्वेद सीखना है, आयुर्वेद के बारे में जानना है, डीपली नॉलेज चाहिए, तो जामनगर कॉलेज आपको ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको इसमें ज़रूर करना चाहिए। जामनगर कॉलेज में 100 सीट्स यूजी की अवेलेबल है और इसकी फ़ीस 25,000 to 40,000 पर ईयर की है, तो ये बहुत मिनिमम है। और ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस मैक्सिमम 50,000 तक है, 50,000 के अंडर सारी फ़ीस है। इसके बाद आता है NIA जयपुर। NIA जयपुर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। ये सिर्फ आयुर्वेदा के एक कॉलेज है, बहुत अच्छा एक कॉलेज है। आपको रिसर्च वर्क से रिलेटेड, आपको मेडिसिन प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी कॉलेजेस हैं, और इसमें आपको ज़रूर यूजी के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अंदर 92 सीट्स हैं और इसकी मैक्सिमम फ़ीस 2,000 to 3,000 के बीच में है पर ईयर, तो आपको इसको एज अ प्रेफरेंस रखना चाहिए। अब आता है हमारा नंबर वन कॉलेज, सबसे पहला कॉलेज या सबसे पहला प्रेफरेंस आपको किस कॉलेज को रखना चाहिए, दैट इज़ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। आपको इस कॉलेज को एज अ प्रेफरेंस जरूर रखना चाहिए, चाहे आप MBBS करना चाहते हैं या BMS करना चाहते हैं, आपका पहला प्रेफरेंस होता है BHU, तो आपको इसको एज अ प्रेफरेंस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है।
यहाँ पे यूजी की 60 सीट्स हैं और इसकी फीस 2000 टू 3000 के बीच में है पर ईयर, तो इसको आपको एज अ प्रेफरेंस जरूर रखना चाहिए। टॉप थ्री कॉलेजेस जो हैं ये BHU, NIA जयपुर और जामनगर, तो आपको ये कॉलेजेस ज़रूर रखने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग तुलसी आयुर्वेदा, लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तुलसी आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच गाइस।